सरोकार। अफगानिस्तान से कश्मीर तक महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, पीएम मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ली जानकारी। सीएम चेहरे के ऐलान से ठीक पहले भड़के सिद्धू, कहा इशारों पर नाचने वाला सीएम चाहता है आलाकमान। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने जा रही सरकार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जस्टिन लैंगर्स के कोच पद से इस्तीफा देने पर भड़के रिंकी पोंटिंग। देश में कोरोना मामलों में गिरावट जारी, पिछले 24 घंटे में 1.27 लाख नए केस दर्ज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर देवरिया से है, जहां पर बरहज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा ने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा है कि जनता अगर हम पर विश्वास कर मेरा साथ देती है तो क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को रफ्तार देने के साथ ही बरहज को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जा दिलाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान राजेश मिश्रा और गुंजन मिश्रा भी मौजूद रहे। चुनाव का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है विधिवत पूजा करके, और हम सब लोग बरहज के जितने भी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी अंतर्यामी सिंह जी भी आए हुए हैं, हम सब लोग भगवान से आराधना प्रार्थना कर कार्यालय का उद्घाटन किए, और हम सब लोग अपने बड़े भाई श्री, अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई श्री साका मिश्रा के विजय के लिए आज से अभियान का हम लोगों ने शुरुआत किया है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बरहज 2017 में भी कमल खिला था और 2020 में भी हम लोग को कमल खिलेगा, इस 22 में भी कमल खिलेगा, इस विश्वास के साथ। रायबरेली में मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी कार्यालय से मतदान जागरूकता रैली निकाली गई है। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला भर में मतदाताओं को घर घर जाकर वोट देने के लिए प्रेरित किया गया है। व्यापार मंडल द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए वाहनों को इलेक्ट्रिक प्रोसेस से रवाना किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जनपद रायबरेली का जो मतदान प्रतिशत है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और मतदाताओं को जागरूक किया जाए। रैली कहाँ कहाँ जाएगी? ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इसमें कुछ ऐसे वाहन हैं जो विभिन्न वाहनों पर स्टिकर वगैरह भी लगाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करेंगे। कब तक ये रैली निकाली जाएगी? ये अनवरत मतदान की तिथि तक ये कार्यक्रम हमारा। खबर बस्ती से है, जहां पर छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों में लगातार सरगर्मी देखने को मिल रही है। लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पहले सेट के पर्चे लिए जा चुके हैं। पांचों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा पर्चे निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से लिए गए हैं। नामांकन के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। वहीं सपा सहित तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होना भी अभी बाकी है। हमारी बस्ती जनपद में पांचों विधानसभा में कुल 62 नामांकन पत्र भेजे गए हैं और किसी भी प्रत्याशी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। पांचों ने लगभग 2 विधानसभा तो सभी प्रत्याशी, सभी लीडिंग पार्टी जो हैं, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और सपा, इनके प्रत्याशियों ने अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर अपने पर्चे खरीदे हैं। लेकिन संभल में सदर विधायक नवाब इकबाल के बेटे और युवा नेता सुहेल इकबाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। सुहेल इकबाल नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने लोगों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि आरएलजी और सपा के गठबंधन से पार्टी को और मजबूती मिली है, सरायत्रीन के लोगों का भरपूर साथ मिला है।
खबर फतेहपुर से है, जहां पंचायत भवन को लोगों ने जानवर बांधने का अड्डा बना दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने विकास खंड अधिकारी को सूचना दी और गांव के तमाम अधूरे कार्यों के बारे में भी बताया। गांव वालों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए आई धनराशि से प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव ने अपनी जेब भरी है। खबर बलिया से है, जहां पर मांगलिक कार्यक्रम में एक विवाह के दौरान चाकू लगने से युवक की मौत हो गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में स्थित एक मैरिज हॉल पर मांगलिक कार्यक्रम के दौरान का है। जी सर, कहां पे और ये किस तरह की सर घटना हुई थी, क्या कुछ? यहां पे ये जो चौकी पिछला घाट है, यहाँ पर एक घटना हुई थी कल रात में, जो लड़कों की चाकू लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जाँच की जा रही है, जैसे तब जाएंगे हम आपको बता। सर, किसी के कोई पकड़ा भी गया है? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जाँच जैसी चीज है। CCTV कैमरा वगैरह भी कुछ करना अभी सब देख उसी सब सारी चीज सारे खबर रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें लालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। खबर औरैया से है, जहां के बिदूना में द्वारिका प्रसाद महाविद्यालय में आयोजित सार्वजनिक सभा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की राज्यसभा की सांसद गीता शाक्य ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार में सर्वजन समाज के हित में कार्य किए जाने के साथ ही कानून का राज कायम हुआ। इस मौके पर हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा में आए मुलायम सिंह यादव के साड़ू पूर्व विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता अखिलेश पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो अपने पिता और चाचा का ना हुआ वो किसका होगा। साथ ही इस मौके पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव, अनिल गुप्ता और अभय सेंगर आदि भाजपा नेताओं ने भी संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य को जिताने का लोगों से आह्वान किया। सहारनपुर से है, जहां देवबंद थाना के मोहल्ला पठानपुर में पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामने के बाद समर्थकों की बैठक बुलाई, जहां आतिशबाजी करने को लेकर दो राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जबकि इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले के बाद एक पक्ष के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने गुप्त नवरात्र के मौके पर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया, साथ ही जीत का आशीर्वाद भी लिया। वहीं पूर्वांचल के सीट बंटवारे पर डिंपल ने कहा कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सीट का बंटवारा किया जा रहा है और सारी चीजों को देखते हुए ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तो पूर्वांचल के सीट बंटवारे को लेकर डिंपल ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सीट का बंटवारा किया जा रहा है और सारी चीजों को देखते हुए ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। अभी जैसे हम जानते हैं वेस्टर्न यूपी में तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो पूरी 50 सीटें तक जीतने वाला है इस बार। तो मैं समझती हूँ जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।